नागराकाटा में एक वृद्ध महिला का शव रेल पटरी से बरामद होने की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने वृद्ध महिला का रेप करने के बाद हत्या करने का आशंका जताया। घटना बीते रात शुक्रवार लुकसान काली खोला बस्ती में घटा है, जहां मृत वृद्ध महिला का नाम मोमिना खातून उम्र 70 साल बताया जा रहा है। वह लुकसान काली खोला बस्ती निवासी है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी व्यक्ति ने कल रात को महिला के ऊपर हमला किया और लहूलुहान अवस्था में रेल लाइन पर फेंकने के दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी को देख लिया और वह घटना स्थल से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में महिला को ले जाते हुए स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में महिला को उसके घर ले गए, लेकिन महिला ने तब तक दम तोड़ दिया। उसके बाद तत्कालीन स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी नागराकाटा पुलिस को दिया और वहां पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि गुनाहगार को फांसी की सजा दी। उन लोगों ने मांग किया है यहाँ त अब के घट्छ र यहाँ त अब एउटा ह्यान्डिकेप औरत सुतिराखेको थियो, सुतिराख्दाखेरि यहाँबाट उठाएर लगेछ, रेल ल्यान्डमा लगेछ। सबैले अब हल्लाचिल्ला भयो, हल्लाचिल्ला हुँदाखेरि हामी गयौँ यहाँबाट सबैजना है। यहाँबाट हल्लाचिल्ला भएर हामी गयौँ, गएर हेर्दाखेरि अब बोकेर उताबाट ल्याउँदै थियो, हामीलाई देखेर डेड के अरे त्यो लास त्यो बडाक्ने बडीलाई फ्याँकिदियो। फ्याँक्दाखेरि रेल पट्टीमा लागेर ऊ डेड भयो उसको, होइन। अनि सबैले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुभव लाग्यो कि रेप पनि गरेको रहेछ, होइन, रेप गरेको रहेछ। किनकि औरतले त औरतलाई बुझिन्छ, एउटा शरीरमा लुगा एउटा पनि छैन उसको शरीरमा। उसको लुगा यहाँबाट चाहिँ उसलाई नयाँ नाइटी लगाइदिएको थियो छोरी चाहिँले, अरे दसैँमा ल्याइदिएको नाइटी, होइन। अहिले चाहिँ उसको फिलहालमा हामीले भेट्दाखेरि चाहिँ उसको शरीरमा एउटा लुगा थिएन, जस्तो पैदा भयो त्यस्तै नै उसको हामीले मान्छे भेट्यौँ। त्यो आरोपीलाई के पुलिसले पक्रियो? हजुर, राति नै पक्रेर यहीँबाट लगि गयो पुलिसले, र लास्टलाई पनि के अरे म पोस्टमार्टम गर्नु लगिराखेको छ, र अहिले यहाँबाट छोरी चाहिँहरू सबै गएको छ, होइन। के चाहनुहुन्छ एउटा असहाय महिलाको यस्तो एउटा घटना घट्यो तपाईँहरू गाउँले हिसाबमा के? हामी त त्यसलाई त फाँसीको सजा दिन चाहन्छौँ भाइ, हामी फाँसीको सजा दिन चाहन्छौँ। किनकि आज त्यो बाँचेर आउँछ, त्यसले 90 दिनको त्यसले जेल काटेर आउँछ, फेरि पनि त हामीहरू माथि आरोप हुन्छ, हामीलाई फेरि पनि अत्याचार गर्ला, होइन। गाउँघरमा हामी एक्लै दुक्लै औरत केटाकेटी बस्नुपर्छ, आदिवासीहरूको कोही ग्यारेन्टी हुँदैन, हुन्छ, रक्सी खाने मान्छेको ग्यारेन्टी हुँदैन। हामीलाई कतिखेर के हुन्छ, हामीलाई पनि त रिक्सी भयो नि भाइ। यो महिलाको को को छ घरमा? महिलाको दुईवटा नाति, एउटा छोरी, ज्वाइँ त बाहिर छ, यहाँ छैन। ज्वाइँलाई पनि हामीलाई कल गरिदिएको छौँ राति नै, होइन। ज्वाइँ पनि अब मालिक आयो भने चाहिँ सायद अहिले 11 बजी मालिक पोस्छ अरे, मालिक पोसेपछि चाहिँ उनीहरूले पनि बातचात गरेर अब उनीहरू पनि आउँछ होला। ज्वाइँ चाहिँ पनि कहाँबाट आउँछ? ज्वाइँ हरियाणाबाट। अच्छा।